नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर इनमें से करे कोई एक उपाय, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, शुभ लाभ की होगी विशेष प्राप्ति। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश का प्राकट्य दिन माना जाता है। इस दिन भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी इस विशेष अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उपाय विधि विधान पूर्वक करें। श्री गणेश का अभिषेक। शास्त्रों में भगवान गणपति का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन आप शुद्ध पानी से श्री गणेश का अभिषेक करें। बरसात के पानी से भी आप श्री गणेश का अभिषेक कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा दूध, दही, घी, गुड़ को पानी में भिजाकर उसका पानी तैयार करके आप उससे श्री गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। शहद, इत्र, गन्ने का रस, अनार का रस, इन सब चीज़ों से श्री गणेश का अभिषेक करने से श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अभिषेक करते समय गणपति अथर्वशीष का पाठ भी अवश्य करें और बाद में मावे के लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। गणेश यंत्र की स्थापना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। गणेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना करें। इस यंत्र की स्थापना एवं पूजन से बहुत लाभ होता है। इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। साथ ही घर में मंगल कार्य होते हैं और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। हाथी को चारा खिलाएं। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो आप गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर जाकर अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए बप्पा से प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन की परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। गुड़ का भोग लगाएं। अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप गणेश चतुर्थी को सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्याओं का निदान हो सकता है। गुड़ की गोलियां। गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद समीप ही किसी गणेश मंदिर में जाएं और भगवान श्री गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान गणपति आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर करें ये काम। गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर पूजा करें। पूजन में श्री गणेश को हल्दी की 5 गठान भी श्री गणाधिपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर श्री गजवक्रम नमो नमः का जाप करके आप गणपति पर चढ़ाएं। यह उपाय लगातार 10 दिनों तक करने से प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन वस्तुओं का करें दान। गणेश चतुर्थी पर किसी गणेश मंदिर में जाए और दर्शन करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान दे। दान में कपड़े, भोजन, फल, अनाज आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। इससे गणपति अपने भक्तों पर प्रसन्न होंगे। इसका लगाए भोग। यदि बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान गणपति को मालपुए का भोग लगाए एवं व्रत रखे। शीघ्र ही उसके विवाह के योग्य बन सकते हैं। इससे पूरी होगी मनोकामना। गणेश चतुर्थी के दिन दुर्वा के गणेश बनाकर इनकी पूजा करें। मोदक, गुड़, फल, मावा, मिष्ठान आदि अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। विवाह में आ रही है बाधा। यदि लड़के के विवाह में परेशानियां आ रही है तो वह गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। इससे उसके विवाह के योग बन सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखें। शाम के समय घर में ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। इस प्रसाद से अपना व्रत खोलें और भगवान गणपति से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सौभाग्य वृद्धि के लिए इस दिन महिलाएं अपने सास या ससुर को मालपुए और नमकीन पुए उनको देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होगी।
तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।